चाहिए सो ऑनर होने के बाद, हम आपको जानना है और हमें छुपाना है, अब ये बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? तो लेकिन इसी में ड्रामा है, ड्रामा तभी क्रिएट होगा। हाँ, तो ड्रामा तो देख कॉन्फ्लिक्ट, मुझे लगता है कैंपेन शिफ्ट हो सकता है गद्दी से स्पॉइलर की तरफ, स्पॉइलर की तरफ, स्पॉइलर कौन सबसे पहले। हाँ, तो हमारे जैसे अभी मुन्ना तो नहीं है बट लल्ला है, लल्ला हाँ मतलब वो है नहीं पर हो सकता है ना, जैसे गुड्डू बच गया था वो भी बच जाए, ये भी हो सकता है, लोगों को लगा था गुड्डू तो नहीं रहा पर गुड्डू अचानक आके सब खेल कर गया। और बताइए क्या हाल है आपके? मेरे पास माइक नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है बीना जी। क्या कहने चाहेंगे आप बताइए। हाँ जी बताइए। एक और त्रिपाठी है मुन्ना त्रिपाठी के अलावा, लल्ला त्रिपाठी वो मेरे बेटे हैं, अभी तो आए और मेरे और अखंडानंद के शायद वो नहीं पता हमें, लेकिन हाँ वो भी है। फिर वो तो अच्छा, फिर ये हो सकता है वो दिखने में सेम हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ये भी ठीक है, ये हो बहुत कुछ है, ये भी ठीक है। आप पोस्टर में नहीं हो, ऐसा क्यों? ये तू कुछ या तो अभी तो बहुत पोस्टर आने एक्चुअली आप मेरी मम्मी से मिले? नहीं मम्मी से तो कोई नहीं मिला। हाँ सस्पेंस। रॉबिन की मम्मी ने कहा था कि बेटा पोस्टर के आने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो बाकी जनता आपको वहीं प्यार दे देगी। ओह नाइस। आप हाँ आप मुझे बताइए कुछ तो इस सीरीज के बारे में, जो आपका कैरेक्टर है। कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है, कमाल कैरेक्टर। हाँ ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से उसे पेश किया जी है ऑन द स्क्रीन। पर कुर्सी भी चाहिए पर रिवेंज भी चाहिए, यहाँ पे लोगों का सबका ऐसा नहीं है, इनको रिवेंज चाहिए पर कुर्सी सबसे पहले चाहिए, पर आपको रिवेंज पहले चाहिए फिर कुर्सी चाहिए। क्या बात है, मैं आपकी व्यक्तिगत तौर पर तारीफ करना चाहता हूँ इस बात के लिए, आपने क्या बारीकी पकड़ी है। तो सवाल क्या है, पर्सनल डिफरेंट होने वाला है? हाँ जी क्या आगे आपके कैरेक्टर में कुछ डिफरेंट होने वाला है? बहुत, आई मीन जो भी होगा सब डिफरेंट ही होगा, क्योंकि आई थिंक डिफरेंट नहीं होगा तो फिर ऑडियंस को मजा कैसे आएगा। Correct. तो डिफरेंट ही है, सब चीजें डिफरेंट है, सीजन काफी डिफरेंट है, सिर्फ मेरे किरदार में नहीं सबके किरदारों में काफी डिफरेंट चीजें हो रही है। आया था ना जी, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था, तो लोगों ने बहुत वेट किया सीजन टू का, अब फाइनली सीजन थ्री आ रहा है, मतलब लोग तो जैसे ही ये ट्रेलर देखने वाले तो पागल होने ही वाले हैं ऑब्वियसली। नहीं नहीं पागल कोई ना हो मजा आएगा उनको, नहीं मतलब एक्साइटमेंट होगी, लोगों का प्यार आपकी तरफ होगा ऑब्वियसली, आप लोगों को ऑन सोशल मीडिया तो दिख ही जाएगा, रील्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और दिखने लगे हैं, रुझान आने लगे हैं, काउंटिंग चालू है, लोग बहुत सवाल पूछते हैं आपके बेटे के बारे में, वो नहीं है तो मिर्जापुर सही नहीं है ये आपका सवाल है कि स्टेटमेंट है? नहीं ये सवाल है, लोगों का सवाल है ये, तो हम क्या करें? अब इसका सवाल का जवाब तो अगर सिर्फ यही एक सवाल है तो इसका जवाब तो 5 जुलाई को ही मिलेगा, अगर जो आया है वो जाएगा। हाँ, जो आया मर्जी है, मर्जी जाएगा। हमारी होगी और हमारी मतलब कालीन भैया नहीं, मिर्जापुर नहीं, अब तो मिर्जापुर की मर्जी जो होगी होगा वही, पर लगता है उस पर राजा बैठने की जगह कोई रानी बैठेगी, ये भी हो सकता है। अच्छा बताइए आप। क्या बताऊं मैं, रानी बैठे ये क्यों नहीं हो सकता? अभी एक्चुअली ना कुछ भी हो सकता है, इस इंटरव्यू से पहले तक हमें लग रहा था कि हम काफी कुछ जानते हैं, अब मुझे लग रहा है कि आप हमसे काफी ज्यादा जानते हैं। मैंने सीरीज बहुत ज्यादा डीप में देखी है, आपके ना आइडियाज नोट कर रहे हैं गुरमीत, ऐसे साइड में उन्होंने फोन में भी निकाल के कुछ नोट किया था, तो मतलब ये जो मुन्ना वाला आइडिया दिया आपने गुरमीत ने इमीडिएटली नोट कर लिया और पुनीत को तो बहुत पसंद आया ये आइडिया। तो जनता तक आपका क्या मैसेज होगा इस मिर्जापुर से? मैसेज यही होगा कि सीरीज देखिए और जो आप जो इसमें से लेकर जाना चाहे लेकर जाइए, क्योंकि हम ऑडियंस को ये तो नहीं बता सकते ना कि आप ये समझ कर जाइए और ये महसूस करके जाइए, वो तो वो अपने एक्सपीरियंस से अपने अपने एक्सपीरियंसेस ही सीरीज को व्यू करेंगे और वो लेके जाएंगे जिसमें उन्हें मजा आता है। होपफुली ये सीजन में किसी को तो कुर्सी मिल ही जाए,
मेरे ख्याल से लगता है, तो मुझे जहाँ तक मेरा प्रोडक्शन है, मैं बताऊंगी नहीं वो भी आपको, जैसे आपने मुझे नहीं बताया नहीं, आप तो बता सकती हैं, आप बदला ले रही हैं रिवेंज। यहाँ बात हो रही है ना बार बार रॉबिन की मम्मी की, तो वो सस्पेंस हो सकता है कुछ अच्छा, आई बिलीव। ये भी अच्छा ट्रैक है, ये ट्रैक अच्छा है, आई लाइक दिस ट्रैक, आई बिलीव एज एन ऑडियंस आई वुड वॉच इट। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आप लोग से बात करके, पर आप लोग ने मुझे कुछ बताया नहीं, दैट्स व्हाट सैड फॉर मी, बट हाँ मुझे लगता है मेरी जो ऑडियंस देख रही होगी उन तक काफी अच्छा मैसेज चला गया होगा। हम सब ने अपने जीवन के 20 मिनट आपको और आपने अपने जीवन के 20 मिनट हमें दिया, ये क्या कम है कि अब हम स्पॉइलर भी दे देते। आई विश जी 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 नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।